दिस इज अल्ट्रासोनिक टेस्टर, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर। तो इसके कनेक्शन सब देख लो। इसमें प्रोब आएगा, प्रोब इज नथिंग बट इट इज नोन एज सोनोट्रोड। लाइट वाइट है क्या? इलेक्ट्रोड जैसा रहता है वैसा यहाँ पे सोनोट्रोड रहता है। लाइट लगते लाइट आया ये प्लग यहाँ पे डाल दिया। इसका दूसरा पोर्शन कहाँ पे है? अडाप्टर। हाँ ये कहाँ पे जाएगा? एक मेन स्विच से आया है। अडाप्टर को गया, अडाप्टर से अपने इस पे आ गया। और एक है प्रोब, ये जो है ना इसको कहते हैं प्रोब और सोनोट्रोड। यहाँ से अल्ट्रासोनिक रेज जाएगा तो ये अपने अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट को, फ्लॉ डिटेक्टर को लगा दिया। अभी क्या हो रहा है कि ये जो है ना ये इसके ऊपर घूमेगा, मतलब इसका हमको मेजरमेंट लेना है। आगे रखेंगे। हाँ ये भी रखना बच्चों। देखो ये इसका विड्थ है ना 102 है, स्टैंडर्ड स्पेसिमन है ये, 102 पे है। इसमें हमने कुछ डेलिबरेटली फ्लॉज ये किए हैं। यहाँ पे एक फ्लॉ है, देखो एक होल है, यहाँ पे भी है। हमको क्या देखना है अल्ट्रासोनिक के प्रिंसिपल से कि व्हेन द अल्ट्रासोनिक रेज, या अभी क्या है ऑयल फिल्म प्रोब और उसके बीच में, सो दैट इट सो दिस सोनार वेव शुड इजीली पास, द साउंड वेव शुड इजीली पास। तो वहां जाके नीचे जाके वापस आता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पीक आएगा और एंड में एक पीक आएगा, दोनों का डिस्टेंस रहेगा 102। इफ देयर इज फ्लॉ इन बिटवीन, उसी डिस्टेंस पे एक ऐसा पीक आएगा। तो यू कैन मेजर डायरेक्टली ऑन दिस स्केल। अभी तो इधर हमको मालूम है कि यहाँ पे हमने फ्लॉ किया है, एक्चुअली इसमें स्पेसिमन में आपको मालूम नहीं रहता, यू आर फाइंडिंग वेयर द फ्लॉ इज। तो कहाँ पे वो आता है वो पीक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये सेटिंग में इन विच रेड में ये पांच किसने किया? दो करना है ना। हाँ जस्ट अ मिनट, इन माय मोबाइल ओनली ऑल दिस सेटिंग इज देयर, प्लीज क्लोज दिस। हियर फर्स्ट मूव हियर, सी वन पीक इज एट स्टार्ट एंड अनदर एट द एंड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज एक्चुअली 102.6, which is a standard specimen given by the company only. Now we will come to the area of defect. Defect वर आना जरा है ना। हाँ अभी क्या हो गया, क्या हो गया? पीक हो गया। हाँ। ये यहाँ पे पीक आ गया, मतलब वो जो स्टार्टिंग का एक पीक था वहाँ से ये डिस्टेंस आपने मार्क किया तो वो बराबर उतना डिस्टेंस आएगा। दिस एंड देर इज वन मोर पीक हियर, ये कौन सा रहेगा? समझा? और नीचे इधर एक पीक है, देखो ये छोटा वाला, ये कौन सा है? इधर वाला। और एकदम लास्ट में एंड, वो एक्चुअली उधर गए हैं, मतलब उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ये दिस इज द फाइन एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग पीक और एंड पीक। ये देखो एक एंड पीक इधर है ना, तो इसको ये स्टार्ट पीक एंड एंड पीक, तो वो जो है ना तो उसमें अंतर है 102.6। तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली डिफेक्ट कहाँ पर है ये मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक वेल्डिंग का बड़ा कुछ थिकनेस है या कोई बड़ा जॉब है उसका रिपेयरिंग हमको करना है, और अभी फॉरगेट अबाउट दिस टू स्टेप, यहाँ पे एक ही डिफेक्ट है तो ये अपने को ऊपर मिला, यानी वहाँ पे आपको ग्राइंडिंग करके फिर से फील करके रिपेयर करना ईजी है। अगर वही डिफेक्ट अगर नीचे मिला और ऊपर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर 180 डिग्री जाके उसको उल्टा करो और वहाँ से ग्राइंडिंग करके उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करो। तो अल्ट्रासोनिक का ये फायदा है कि आपको मैग्नेटिक पार्टिकल में प्रॉब्लम क्या था, एक तो फेरोमैग्नेटिक के लिए सब सरफेस डिफेक्ट आता था, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं आता था, ये कौन से भी डिस्टेंस पे आपको मिलता है और एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दे। तो ये अल्ट्रासोनिक का फायदा है, इसलिए बिना अल्ट्रासोनिक का आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर वो ह्यूमन बॉडी हो या मेटल बॉडी हो, हर जगह मेडिकल फील्ड में भी और इंजीनियरिंग फील्ड में भी अल्ट्रासोनिक इज नाउ, मतलब विदाउट अल्ट्रासोनिक यू कांट थिंक ऑफ दैट। अल्ट्रासोनिक हैज गॉट अदर यूजेस ऑल्सो, आप लोगों ने देखे फर्स्ट ईयर में वगैरह सुना होगा ना, नेवी में जाके सोनार से कितना डेप्थ है वगैरह वो भी मेजर कर सकते, वो कितना नीचे जाके वापस आएगा, वो ट्रैवल डिस्टेंस से दे कैन अंडरस्टैंडिंग सी डेप्थ। ओके।
बनता है।